हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग इस वीडियो में हिडन फॉर्म फील्ड्स के बारे में सीखेंगे। हिडन फॉर्म फील्ड्स क्या होता है और इसका यूज़ क्या है और हम लोग क्यों यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे, ये सारे प्रॉब्लम्स का हम लोग आज सोल्यूशन देखेंगे और हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे हिडन फॉर्म फील्ड्स क्या है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो हिडन फॉर्म फील्ड्स है ये स्टेट को मैनेज करने के लिए, इट इज़ फॉर मेंटेनिंग स्टेट। तो स्टेट मैनेजमेंट ये जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो स्टेट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सिंपली मतलब आप कोई डेटा साइमेंटेनियस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के दौरान रख सकते हैं और सर्वर उसे याद रख सकता है। बट ये काम कैसे करता है, सिंपली सबसे पहले ये सारी चीज़ समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा ये हिडन फॉर्म फील्ड्स क्या है। और अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें हम लोगों ने कवर किया था URL रीराइटिंग वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज़ें कवर किया था और मैंने कुकीज़ वगैरह भी कवर किया था। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें सीखी हैं तो आप हिडन फॉर्म फील्ड्स बहुत आसानी से कवर कर पाओगे। और मैं थोड़ा सा पिछले वीडियोज़ में जो है उसका थोड़ा सा रिलेट यहां पे करके समझाऊंगा चीजों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये हिडन फॉर्म फील्ड्स होता क्या है बेसिकली और हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं। हिडन फॉर्म फील्ड्स सिंपल एक नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड है जिस जो हम लोग पहले बनाते थे। बस डिफरेंस यही है कि ये जो टेक्स्ट फील्ड है ना, ये देखें यहां पर लिखिए इनपुट टाइप, और इसका जो टाइप वाला एट्रीब्यूट होगा उसकी वैल्यू होगी हिडन। दैट मीन्स ये वैल्यू आपको स्क्रीन पर दिखेगी नहीं, इट इज नॉट विजिबल, नॉट विजिबल टू यूज़र, सिर्फ आपको दिखेगी एकदम ही नहीं। बट लेकिन ये वैल्यू क्लाइंट के ब्राउज़र में रहेगी, पेज में रहेगी, और बस इसका टाइप हिडन होने के कारण होगा क्या, इसकी वैल्यू भी रहेगी यहाँ पे, देखिए दुर्गेश तिवारी, और इसका नेम भी रहेगा। और जैसे ही बंदा क्या करेगा, ओके बटन या कुछ भी क्लिक करेगा यहाँ पे, जैसे ही इसको क्लिक करेगा ये फील्ड चली जाएगी सर्वर को हमारे, ठीक है। सिंपली सर्वर क्या कर पाएगा, ये सारा काम इसका डेटा फेच कर पाएगा, दैट मीन इसकी वैल्यू फेच कर सकता है। तो सब कुछ सेम रहेगा नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड जैसा, बट ये ब्राउज़र में रहेगी, यूज़र को नहीं दिखेगी। तो हम लोग इस वाली फील्ड को हिडन फॉर्म फील्ड कहते हैं और इस वाली फील्ड को हम लोग स्टेट मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस हिडन फॉर्म फील्ड्स को स्टेट मैनेजमेंट के लिए कैसे यूज़ करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हिडन फॉर्म फील्ड यूज़ करने के लिए, हम लोग अपने क्या करेंगे, हम लोग एक इंडेक्स पेज बनाएंगे। लेट अस सपोज हमने यहाँ पर इंडेक्स पेज बना लिया है, इट इज़ आवर इंडेक्स पेज, और इंडेक्स पेज है, और यहाँ पे मैं सिंपली एक फील्ड ले लूँगा और इस फील्ड में यूज़र का नाम ले लूँगा, जैसे मैं एग्जांपल अभी तक हम लोग करते आ रहे थे समझने के लिए, और मैं यहाँ यूज़र का नाम ले लूँगा। जैसे यूज़र सबमिट करेगा मैं यहाँ पे चलाऊँगा सर्वलेट वन, तो मैं यहाँ पे एक सर्वलेट वन बना लूँगा, सर्वलेट वन दैट मीन्स S1, ठीक है। तो जैसे ये बंदा ओके करेगा तो मैं क्या करूँगा, इस रिक्वेस्ट जो कि रिक्वेस्ट में नाम होगा, इस सिंपली इस रिक्वेस्ट को हम लोग सर्वलेट वन पे सबमिट करा देंगे। और इस सर्वलेट वन क्या करेगा, गेट करेगा आपका नाम, गेट पैरामीटर की हेल्प से ये क्या करेगा, नेम को यहाँ पे गेट कर लेगा और अपनी पूरी प्रोसेसिंग करेगा। और लास्ट में क्या करेगा, यहाँ से वो एक रिस्पॉन्स देगा। तो सबसे पहले रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, ये जो HTML है ये जनरेट होगा सर्वलेट के द्वारा, और HTML में सिंपली सर्वलेट क्या करेगा, यहाँ पे एक हिडन फॉर्म फील्ड बनाएगा और उस फील्ड की वैल्यू जो होगी वो आपकी वही नेम रख देगा। अब ये क्योंकि वैल्यू इसी वाले फॉर्म में रहेगी, वैल्यू रहेगी यहाँ पे, नेम रहेगा, सब कुछ रहेगा, बट ये फॉर्म फील्ड की प्रॉपर्टी ये हिडन रहेगी और यही HTML चला जाएगा हमारा क्लाइंट पे। तो यहाँ पे जो पेज दिखेगा और जैसे ही बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा ये फॉर्म हम लोग सबमिट करा देंगे सर्वलेट टू पे, तो हम लोग यहाँ बना लेंगे S2, और जैसे ही बंदा क्लिक करेगा तो ये रिस्पॉन्स वन था हमारा, Response 1, 1, जैसे यहाँ से क्लिक करेगा दोबारा इस फॉर्म में जो आपने ओके बटन दिया होगा ये यहाँ दिखेगा, जैसे यहाँ से क्लिक करेगा आपको रिक्वेस्ट आ जाएगी सर्वलेट टू के पास, रिक्वेस्ट टू, और यहाँ पे यही वाला फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा बट यूज़र को पता नहीं चलेगा, और यहाँ पे क्या करेगा वो गेट कर लेगा फिर से वाली वैल्यू जो आपने हिडन फॉर्म फील्ड्स में लगाई थी, और पूरी प्रोसेसिंग उसी से करेगा, और फिर ये क्या कर देगा, ये भी रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और क्लाइंट को यहाँ पे सिंपली भेज देगा, तो ये हमारा रिस्पॉन्स होगा। दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे,
मेंटेन कर रहे हैं स्टेट विद द हेल्प ऑफ हिडन फॉर्म फील्ड्स. एग्जैक्टली सेम तरीका हम लोगों ने फॉलो किया था URL रीराइटिंग में भी. URL रीराइटिंग में भी हम लोगों ने क्या किया था, एग्जैक्टली जब सबनेट वन यहाँ से रिस्पॉन्स दे रहा था तो मैंने यहाँ पे एक URL बनाया था जिसमें URL में हम लोगों ने क्या किया था, डेटा रख दिया था. और इस बार हम लोग को एग्जैक्टली वही करना है, बट नेम यहाँ पे URL में नहीं रखना है, हम लोग को नेम हिडन फॉर्म फील्ड में रखना है. जैसे ही बंदा सबमिट करेगा वो हिडन फॉर्म फील्ड की वैल्यू सबमिट हो जाएगी, बट यूज़र को यहाँ पे दिखेगा नहीं और यहां पे सर्वलेट 2 उसको फेच भी कर लेगा. आप अगर फिर से तीसरे सर्वलेट पे वो फील्ड अगर वो वाले वैल्यू ले जाना चाहते हो तो आप यहां से भी हिडन फॉर्म फील्ड बना दीजिए. जब बंदा क्लिक करेगा तीसरे सर्वलेट पे जाने के लिए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली वो वैल्यू सबमिट हो जाएगी. तो हम लोग इसका प्रैक्टिकल चलिए करते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग ये काम कर पाएंगे. यहां से सर्वलेट 1 कैसे यहां पे हिडन फॉर्म फील्ड को क्रिएट कर सकता है. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास NetBeans ID ओपन है और हमारे पास एक प्रोजेक्ट ओपन है जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था. हम लोगों ने यहाँ पे स्टेट मैनेज किया था विद द हेल्प ऑफ URL रीराइटिंग. तो अगर अभी तक आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो होगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. सबसे पहले वो जाके वीडियो देखिए फिर आप यहाँ के आके इसको समझिएगा. लेकिन हम लोग कुछ वैसा ही तरीका फॉलो करेंगे, दैट मीन्स ये है चीज़ डिफरेंट बट वही चीज़ हम लोग यहाँ अचीव करने की कोशिश करेंगे हिडन फॉर्म फील्ड्स में. तो मैं सबसे ये पहले ये वाला प्रोजेक्ट समझा देता हूँ. हम लोगों ने क्या किया था, सिंपली यहां पे अपने होम पेज पे एक फॉर्म बनाया, देखिए फॉर्म टैग यूज किया है और इस फॉर्म को सबमिट करा दिया सर्वलेट 1 पे. और इस फील्ड में हम लोगों ने रखा एक इनपुट टाइप टेक्स्ट, मतलब कि नॉर्मल हमने टेक्स्ट फील्ड रखा है जिसका नेम रखा था मैंने यूजर नेम. और सिंपली इसमें हम लोग वैल्यू ले रहे थे और यहाँ पे एक बटन बनाई थी गो, दैट मीन्स सबमिट बटन बनाई थी. तो हम लोग जब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला आउटपुट देखेगा. और अगर हम यहाँ पे अपना नाम लिख के गो पे क्लिक करेंगे तो सर्वलेट 1 पे वैल्यू देखिए सबमिट हो जाएगी. तो मैंने सर्वलेट 1 पे कुछ नहीं किया था, मैंने सर्वलेट 1 पे सिंपली ये वैल्यू फेच की थी. आप देख सकते हो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और यहाँ पे अपने फील्ड का नाम लिख दिया था और इस जो वैल्यू आएगी उसको नेम वेरिएबल में रख दिया था. उसके बाद हमने सिंपली क्या किया था, यहाँ पे देखिए मैंने प्रिंट किया था योर नेम इज़ और अपना नाम, इस नेम की वैल्यू प्रिंट की थी. उसके बाद हम लोगों ने स्टेट को मैनेज करने के लिए, इन द सेंस कि हम लोग इस वैल्यू को दूसरे सर्वलेट पे भेजने के लिए, हम लोगों ने यहाँ पे एक URL बनाया था और इस URL में हम लोगों ने अपना नेम की वैल्यू रख दी थी. तो जैसे ही बंदा यहाँ पे सेकंड सर्वलेट वाली बटन पे क्लिक करता था ये वैल्यू URL के थ्रू सेकंड सर्वलेट पे चली जाती थी. तो हम लोग यहाँ पे अब ये काम नहीं करेंगे, दैट मीन्स हम लोग URL राइट नहीं करेंगे, हम लोग ये वैल्यू भेजेंगे दूसरे सर्वलेट पे विद द हेल्प ऑफ हिडन फॉर्म फील्ड्स. तो हम लोग क्या करेंगे, जो रेस्पॉन्स यहाँ सर्वलेट 1 से क्लाइंट पे जा रहा है उस क्लाइंट पे हम लोग एक फॉर्म बना के भेजेंगे विद हिडन फॉर्म फील्ड्स, जिससे कि उस फॉर्म फील्ड में हम लोग डेटा स्टोर कर पाएं. और जैसे ही बंदा यहाँ पे सबमिट करे, ओके क्लिक करे या गो टू सेकेंड सर्वलेट क्लिक करे, अपने आप दूसरे पेज पे फॉर्म सबमिट हो जाए और यूज़र को पता भी न चले. हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेकंड सर्वलेट पे कोडिंग करते हैं फॉर्म फील्ड की. तो हम यहाँ पे लिखते हैं हिडन फॉर्म फील्ड कोडिंग सिंपली. अब देखिएगा मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा आउट डॉट प्रिंट एलन और एक्चुअली मुझे यहाँ से एक फॉर्म प्रिंट करना है. तो मैं क्या करूँगा और मैं 2-3 बार क्लिक कर लूँगा और इसके अंदर देखिए मुझे कोडिंग इसी के अंदर करनी है. मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा फॉर्म और फॉर्म में लिखूँगा एक्शन और मैं यहाँ पे दूँगा. अब देखिए डबल कोट्स के अंदर आप डबल कोट्स लगाओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी. जैसे एक डबल कोट्स, अब आपको एक्शन एट्रीब्यूट के लिए भी क्या लगाना है, यहाँ पे डबल कोट्स लगाने की ज़रूरत है. तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपने डबल कोट लगाया तो स्ट्रिंग गड़बड़ हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे स्लैश लगाने की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स लगाने के लिए. तो इससे मैं बचने के लिए, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, तो आप डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट सिंपली यूज़ कर सकते हो. और हम एक्शन में दे देंगे सर्वलेट 2 का URL पैटर्न सिंपली और ये अपना फॉर्म टैग यहाँ पे क्लोज कर देंगे. नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग इस फॉर्म टैग, इस ये भी देखिए ये फॉर्म टैग का पहला ओपनिंग यहाँ पे हम लोग ने बंद किया है. फॉर्म टैग क्लोज हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि इसके अंदर हम लोग को बहुत सारी चीज़ें लिखनी है. तो देखिए हमारा ये फॉर्म टैग है और ये हमारा फॉर्म टैग क्लोज हो गया, ये ओपन हुआ ये क्लोज हुआ. अब इसके अंदर आके हम लोग एक फील्ड बनाएंगे. तो फील्ड बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे इनपुट टाइप और हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर मैं यहाँ टेक्स्ट लिख दूँ तो ये नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड बनेगी. तो सबसे पहले मैं नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड पे काम करता हूँ, उसके बाद हम लोग हिडन इसको कैसे बनाएंगे देखिए. और यहाँ पे हम लिख देंगे नेम और नेम में हम डाल देंगे यहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर नेम और उसके बाद हम लोग इसकी वैल्यू दे देंगे. अब वैल्यू में आपको वही पुरानी वैल्यू डालनी है जो यहाँ पे आर यूज़र, ये नेम हमें उठा के इस वैल्यू के अंदर डालना है. तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले इसको बंद कर दीजिए और किसी तरह जो नेम वेरिएबल की वैल्यू है उसको वैल्यू वाले एट्रीब्यूट के अंदर लाइए. तो देखिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली स्ट्रिंग को बंद करूँगा और यहाँ पे प्लस लगा दूंगा और नेम की वैल्यू डाल दूंगा.
तो आप उसी तरह करिएगा जिस तरह मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज इतने कोट्स बंद और क्लोज करने में, क्लोज और ओपन करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिएगा, कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिए। देखिए सिंपली मैंने क्या लिखा था, मैंने यहाँ पर लिखा था वैल्यू एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट में सिंगल कोट्स लगाया था और इसको सिंपली बंद कर दिया था। उसके बाद आप एक कोट क्या करिए, यहाँ डबल कोट बंद करिए और एक कोट और लगाइए, इसके अंदर आ जाइए, फिर प्लस लगाइए और प्लस लगाइए, फिर इसके अंदर आइए और नेम की वैल्यू लिख दीजिए। तो होगा क्या, इस वैल्यू ये एट्रीब्यूट जो वैल्यू है उसकी जो वैल्यू होगी नेम की वैल्यू हो जाएगी सिंपली। अभी मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एक बटन बनाऊंगा, तो बटन बनाने के लिए सिंपली आप टैग यूज करिए, बटन, बटन टैग को आप क्या करिए यहाँ पर क्लोज कर दीजिए बटन, और हम लोग इसके अंदर आ जाएंगे, लिख देंगे गो टू सेकेंड सर्वलेट और सेव करिए और सिंपली आके अपने पेज को रिफ्रेश करिए। देखिए यहाँ पे एक फील्ड बन गई जो वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, मतलब जो नेम आ रहा है, जैसे हमने यहाँ से अगर सेलेक्ट किया, यहाँ मैंने लिखा अंकित और मैं गो करूँगा, तो देखिएगा ये काम तो सही कर रहा है, सर्वलेट फेच कर रहा है, बट जो यहाँ पे क्लाइंट को हम लोग फॉर्म बना रहे हैं उसमें ये वैल्यू दिख रही है। और अगर आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे देखिए वैल्यू सबमिट हो जाएगी। तो एक सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोगों ने नेम में यूज़र नेम रखा है, तो वैल्यू फेच भी हम लोग सर्वलेट टू पे क्या करते हैं, यूज़र नेम से करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग भी यूज़र नेम लेंगे, तो जब जो वैल्यू फॉर्म में सबमिट होगी वो यहाँ से क्या हो जाएगी, फेच हो जाएगी, इस नेम में आ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको चला के देखते हैं। तो हम लोग जैसे सपोज हमने यहाँ अपना नाम दिया और फिर हम लोगों ने जैसे गो टू सेकंड सर्वलेट पे क्लिक करूंगा, तो एक्चुअली होगा क्या, ये जो फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा और देखिए सेकंड सर्वलेट पे क्या होगी, आपकी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि आपने फॉर्म से क्या किया, वैल्यू निकाली। बट ये चीज़ फील्ड तो दिख रही है बट यूज़र को इससे मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस जो नॉर्मल फील्ड थी सर्वलेट वन पे, इस फील्ड को हम लोग बना देंगे हिडन। और हिडन बनाने के लिए आप इनपुट टाइप को आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली हिडन, और आप सेव कर दीजिए और आके अपना पेज, अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करिए और फिर से गो क्लिक करिए। देखिए सिंपल, यहाँ देखिए योर नेम इज दुर्गेश तिवारी और यहाँ पे देखिए आपको फील्ड नहीं दिख रही है क्योंकि वो फील्ड हिडन फॉर्म फील्ड है। बट जब सर्वलेट वन ने ये अपना रिस्पॉन्स दिया है, ये सारा रिस्पॉन्स दिया है, तो उसने हिडन फॉर्म फील्ड में वैल्यू रख दी है, छुपा दी है। जैसे ही आप गो टू सेकंड सर्वलेट क्लिक करेंगे, दूसरी रिक्वेस्ट भेजेंगे, अपने आप से वो वैल्यू भी सबमिट हो जाएगी और सर्वलेट टू क्या करेगा, उसी वैल्यू को फेच करके यहाँ पे दिखा देगा। दैट मीन्स आपने दो रिक्वेस्ट भेजी है, मैं दिखा देता हूँ, आपने सबसे पहले रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजी है इस नेम के साथ, पहले रिक्वेस्ट आपने पहले रिक्वेस्ट में ये नाम दिया अंकित, बट जब आप गो टू सेकंड सर्वलेट क्लिक करोगे तो आप नाम नहीं दोगे, लेकिन वो नाम कहाँ रखा हुआ, यहाँ पे जो हिडन फॉर्म फील्ड बनी है। आप अगर राइट क्लिक करिए और यहाँ पे जाइए पेज सोर्स व्यू पेज सोर्स, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए फॉर्म बना हुआ है और ये देखिए फील्ड है और इसकी वैल्यू भी अंकित रखी हुई है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ना, ये देखिए फील्ड में अंकित रखी है, इसका मतलब ऑलरेडी ये वाली फील्ड प्रेजेंट है, उसमें वैल्यू भी अंकित रखी हुई है। अगर आप यहाँ पे कोई और वैल्यू लो, लेट अस सपोज आप वैल्यू ले आ रहे हो यहाँ पे, और फिर से आप पे सोर्स देखने की कोशिश करो, देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये वैल्यू क्लाइंट में सेव है, क्लाइंट के ब्राउजर में सेव है। जैसे ही आप गो टू सेकंड सर्वलेट क्लिक करोगे, यही वैल्यू सेकंड सर्वलेट को सबमिट हो जाएगी। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, कोई डेटा दूसरे सर्वलेट तक क्लाइंट सबसे पहले वो डेटा एक हिडन फॉर्म फील्ड में रख रहे हो क्लाइंट पे, ब्राउजर पे, उसके बाद जैसे ही क्लाइंट सबमिट कर रहा है बटन, इस बटन पे क्लिक कर रहा है, ये डेटा दूसरे सर्वलेट को सेंड हो जा रहा है। दूसरा सर्वलेट सिंपली क्या कर रहा है, एग्जैक्टली सेम जैसे वायरल राइटिंग में था, वो सेकंड सर्वलेट रिक्वेस्ट में आके उस डेटा को सिंपली गेट कर रहा है विद फील्ड नेम, और जैसे ही डेटा आ जाएगा फिर प्रोसेस कर लेगा। अब यूज़र को एक ही बार इंडेक्स पेज से नाम देना होगा, सर्वलेट वन भी निकाल लेगा, नाम को प्रोसेस कर लेगा, उसके बाद हिडन फॉर्म फील्ड्स की हेल्प से डेटा को सेकंड सर्वलेट पे भेज देगा। तो ये एक तरीका था URL रीराइटिंग की ही तरह, कुकीज़ की ही तरह, ये भी क्या करता है, आपका कोई डेटा रख सकता है क्लाइंट के एंड पे और इसको भेज सकता है जब आप मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज रहे हो, कई सारे रिक्वेस्ट भेज रहे हो, जिससे कि आप ID रख सकते हो हिडन फॉर्म फील्ड्स में, आप यूज़र की ईमेल ID, पासवर्ड जो भी रखना रख सकते हो और उसको स्टेट को मैनेज कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग ने कम्प्लीटली समझा हिडन फॉर्म फील्ड्स क्या होता है, उसका एग्जांपल भी देखा। नेक्स्ट वीडियो में हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है HTTP सेशन, उसके बाद हम लोग एक कोई प्रोजेक्ट डिसाइड करेंगे ई कॉमर्स वगैरह का, और उस प्रोजेक्ट को हम लोग यहाँ पे लाइव बनाएंगे, देखेंगे कैसे बनेगा, उसमें यूज होगा सर्वलेट, MySQL और JSP वगैरह। तो अगर हमको JSP की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग सबसे पहले JSP थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेंगे या पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट को हम लोग टच करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।